प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। इस सुंदर दिन के लिए फिर से प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन से हम जब सीखते हैं, मेरा विश्वास है हर एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए तत्पर है। और अब हमें जो सीखने के लिए जो अवसर मिलते हैं उसको खोना नहीं है, वो बहुमूल्य समझ लेना। पवित्र आत्मा मदद करे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता, ये मीडिया परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करते, ताकि मैं आपके पास इस मॉर्निंग टाइम पे इस मीडिया के द्वारा पहुंच सके। सो टेक्नोलॉजी अच्छा है, भलाई के लिए है, लेकिन बुराई के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर हमें मदद करे। हम एक वचन जल्दी से पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 14:30 पद। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। यहां पर शांत मन वाला एक पीसफुल माइंड एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से है, हमें उसको समझना है। इंग्लिश में लिखा है, ट्रैंक्विल माइंड ब्रिंग्स लाइफ टू वंस बॉडी, बट जेलसी कॉसेस वंस बोन टू रोट। तो हमें समझना है, एक आश्वासित मन, एक शांत मन हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। सब बातों में हमें एक शांति, लेकिन कुछ लोगों का जीवन में जलसी, किसी और का भलाई देकर परेशानी। मैं मालूम है बाइबल के अंदर बहुत सारे स्टोरियां, हाबिल और काइन दोनों परमेश्वर के सन्मुख में बलि लेके आया, ऑफरिंग लेके आया, और उसमें से हाबिल का बलि परमेश्वर ने स्वीकार किया और काइन का स्वीकार नहीं किया। काइन गुस्सा हो गया। काइन के पास परमेश्वर आकर बोला है, काइन पाप तेरा द्वार पर है, उसकी आशा तुझ पर है, तुम भी भलाई करे, परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन वो तैयार नहीं था। आपको मालूम है उसका नतीजा, अपनी भाइयों को, अपने भाई को उसने मारा और हमेशा के लिए श्राप का कारण बन गया। मेरा प्रियो, जलसी एक ऐसा चीज है हमारा जीवन में जगह नहीं देना चाहिए। परमेश्वर के बच्चों का जीवन से किसी भाई के प्रति, किसी के प्रति आपका जीवन में जलसी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बातें परमेश्वर नहीं चाहते हम दूसरों के ऊपर जलसी करें। हमारा जीवन में अगर जलसी होना है, प्रभु के लिए हम जलस हो जाए, परमेश्वर का प्रेम के लिए जलस हो जाए, परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए एक जुनून रखने वाला, जलस रखने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाए, वो आपका जीवन में, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, और आपका मन शांत हो जाएगा। तब प्रभु के लिए जीवन बिताएगा, आपका मन शांत रहेगा। आपको मालूम है बाइबल के अंदर, पुराना नियम के अंदर, जोसेफ एक स्वप्न देखा और स्वप्न अपने भाइयों से शेयर किया, और वो बातों को सुनकर भाई लोग नाराज हो गया। जब जोसेफ अपने भाइयों से मिलने के लिए गया था, जो भेड़ों को चराने वाला भाई था, मिलने के लिए गया, पापा ने उन्हें भेजा, उसने उसको पकड़कर गड्ढे में डाला, उसके बाद उधर से निकाल कर मिस्र की व्यापारियों को बेचा है, और मिस्र में वो चला गया है। आपको मालूम है वो जो स्टोरी आप जानते हैं। तो एक जलसी अपने खुद के भाई को प्यार करने की जगह उसको नाश करने में शैतान इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसलिए हमारा जब तक वो काम आपका जीवन में नहीं होते, तब तक आपका जीवन के अंदर कुछ होने लग जाते। आपको मालूम है बहुत सारे लोग दूसरों के नाश के लिए क्या क्या नहीं करते, क्योंकि दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर जलसी। यीशु मसीह इस धरती पे आया, मनुष्य बनकर आया। आपको मालूम है यीशु मसीह के ऊपर फरीसी और शास्त्री लोगों ने क्यों दोष लगाया, उसका पीछे क्यों पड़ गया? क्योंकि यीशु मसीह के काम सामर्थी काम था, पर फरीसी और शास्त्री लोग अधिकार से बात नहीं करते। लोग बोलते हैं ये प्रभु यीशु मसीह अधिकार से बात करते, लेकिन फरीसी और शास्त्री जैसे नहीं है, और यीशु मसीह की बातें नहीं है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का राज्य की बातें करते हैं, और परमेश्वर का राज्य प्रकट भी होते। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुष्टात्मा को निकालते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर का राज्य हम बराते हैं। फरीसी और शास्त्री लोग कोई बीमारों को चंगा नहीं करते, दुष्टात्मा को निकालते नहीं, लेकिन यीशु का काम देकर वो जलस हो गया। इसलिए यीशु को वो क्रूस पर
चढ़ाने के लिए, मेरा प्रियो, वो उसके लिए नाश का कारण बना। हमारी अंदर अगर किसी भी प्रकार की, कोई भी व्यक्ति के प्रति किसी का बढ़ोतरी देकर, किसी के आशीष देकर हमें जलसी है, डाह है, तो हमारा जीवन से जल्दी से उसको उखड़ जाए, हमारा जीवन से वो हमेशा के लिए वो जड़ समेत उखड़ जाए। और दूसरों के प्रति ऐसा नहीं, अगर कोई भी बढ़ोतरी देकर, कोई सी के आशीष देकर हम आनंदित होने वाला बन जाए, शांत वाला मन बने, आनंद वाला मन आपको मिले, क्योंकि बाइबल हमें सिखाते आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूँ, आनंदित रहो। आपका मन में पवित्र आत्मा कार्य करे, अशुद्ध आत्मा नहीं। परमेश्वर उसके लिए आपको मदद करे। आमीन। पिता परमेश्वर, हर बुराई से, हर गलत बातों से बचकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए सबको मदद कर। किसी भी मन में किसी का प्रति जलसी, डाह, विरोध, कोई भी बात अगर किसी का मन में है, वो यीशु का नाम से उखड़ जाए। परमेश्वर ना लगाए वह सारे पौधा उखड़ जाए, और परमेश्वर प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, मेल मिलाप की आत्मा सबका जीवन में आप दे रहे। धन्यवाद करते, प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।